नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल रंजन स्टडी इंडिया अड्डा डिजिटल वेब लर्निंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए, इस चैनल पर कंटिन्यू क्लासेज एलपी टेक्नीशियन सीबीटी 2 जो जिसका एग्जाम दोस्तों इस मंथ में होने वाला है, आप लोग कंटिन्यू प्रिपरेशन की ओर करते रहिए। उसका जो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट कर रहे हैं दोस्तों, जो अब तक रेलवे में पूछा गया है, प्रत्येक प्रश्न को जो है पार्ट बाय पार्ट करके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक वाइज। बता देना चाहता हूं, प्रीवियस लेक्चर का आज जो है 23वां लेक्चर है। जो स्टूडेंट इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे, इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर के वहां से आप लोग देख सकते हैं, जिसमें आज का टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंतर्गत ये टॉपिक आता है, जिसका हम लोग दोस्तों तीन पार्ट में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। आज पार्ट 2 है, ध्यान दीजिएगा, पार्ट 2 है, एक पार्ट और बच गया है, उसका जो है जल्द ही मैं उसका अपलोड करने वाला हूँ। तो दोस्तों बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसमें जो है न्यूमेरिकल पोर्शन को भी इंक्लूड कर दिया गया है। एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट बता देना चाहता हूँ कि रेलवे ने ऑफिशियली ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ था उसका आंसर की अपडेट कर दिया है। जिन स्टूडेंट ग्रुप डी का एग्जाम दिए हैं, वहां से आप लोग किसी भी आरआरबी की वेबसाइट से जाकर के आंसर की को जो है अपने देख सकते हैं। उसमें ऑब्जेक्शन करने का भी लिमिट टाइम दे दिया है, उसी टाइम के अंतर्गत जो है आप लोग ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं, इसलिए आंसर की जरूर जाकर के देख लें कितना सही हो रहा है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। एक बात और बता देना चाहता हूँ, मैं इस चैनल में प्रत्येक दिन 3 वीडियो अपलोड करता हूँ, जो कि आपको आगामी एग्जाम को देखते हुए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होता है, स्पेशली महत्वपूर्ण टॉपिक को इंक्लूड करके बनाता हूँ। दोस्तों जो स्टूडेंट नए आए हैं, वो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर के अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, स्पेशली करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो इस एग्जाम में सीबीटी 2 में करंट अफेयर्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। स्पेशली 2 वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दिया हूं, देख सकते हैं, पार्ट 1 ये है एंड पार्ट 2 ये है। ये दोनों वीडियो देख लेने के बाद करंट अफेयर्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, और जो स्टूडेंट इस चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है जितना जल्द हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, ताकि मैं जितने महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा रहा हूं उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचे। और वीडियो के एक लाइक जरूर कर दिया कीजिए दोस्तों, एंड दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि हर किसी को फायदा हो सके। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 वीडियो है, बता देना चाहता हूं, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम लोग 40 क्वेश्चन को देखे थे, इसमें भी दोस्तों 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। इन द फिगर गिवेन बिलो, विच फिगर इज द सिंबल फॉर ए सोर्स ऑफ एनर्जी। दोस्तों सोर्स ऑफ एनर्जी का सिंबल को आपको पहचानना है। नीचे दी गई आकृति में कौन सी आकृति ऊर्जा के स्रोत का प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, इस ऑप्शन में देखिए कौन सा एनर्जी ऊर्जा का जो है दोस्तों सोर्स है, तो बता देना चाहता हूँ, ऑप्शन आई जो है ये जो है ऊर्जा का स्रोत है, बाकी जो है मैक्सिमम दोस्तों इसमें देख सकते हैं ऊर्जा इसमें क्या होता है, लेता है तब ऊर्जा को जो है प्रोड्यूस करता है, बाकी ये जो है यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, ये है ऊर्जा को जो है डायरेक्टली जो है प्रोड्यूस करता है, ये बैटरी का सिंबल है। ठीक है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि बैटरी जो है केमिकल एनर्जी को विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसीलिए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, फिगर आकृति यानी आई वाला, ये जो है दोस्तों बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल होगा, आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर शोन इन द फिगर बिलो, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट। ध्यान दीजिएगा, दर्शाई गई आकृति चित्र में चालक के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इससे गुजरने वाली धारा का क्या प्रभाव होगा। देख सकते हैं, पहले आप लोग फिगर को ध्यान से देखिए, इसके बाद कमेंट कीजिए क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात हम बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि चुंबकीय प्रभाव और उष्मीय प्रभाव दोनों, ये दोनों के थ्रू जो है दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो है यहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट और हीटिंग इफेक्ट के कारण। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये फिगर में दिख रहा चालक के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इससे गुजरने वाली धारा चुंबकीय प्रभाव और उष्मीय प्रभाव दोनों होगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा दोस्तों, मैग्नेटिक इफेक्ट और हीटिंग इफेक्ट, देख सकते हैं फिगर में ऑलरेडी गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 43 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आ जाइए दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए।
ये स्टेट कंडक्टर, ध्यान दीजिएगा, एक स्टेट कंडक्टर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कैरिज ए करंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्ड दिस। ठीक है दोस्तों, एक वृत्ताकार अनुप्रस्थ परिच्छेद वाला सीधा चालक, ध्यान दीजिएगा, एक क्रॉस सेक्शनल पहले बना लेते हैं फिगर, ये सीधा चालक दोस्तों, ठीक है, मान लेते हैं ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, फिगर है यहां पे, ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देख सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, हम लोग यहां पे फिगर ड्रा कर दिए रेफर स्केच। बता देना चाहता हूं कि इसे वृत्ताकार क्रॉस सेक्शनल एरिया में दोस्तों धारा का फ्लो हो रहा है, आप लोग फिगर में देख सकते हैं ये करंट का फ्लो हो रहा है नीचे से ऊपर की ओर, तो धारा का प्रवाह दोस्तों समानांतर चालक में प्रवाहित हो रहा है, आप देख सकते हैं, तो धारा का प्रवाह दोस्तों एक ही डायरेक्शन में होने के कारण जो है चालक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है दोस्तों, एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिससे अक्ष के विपरीत दिशा में कार्य करने वाला एक त्रिज्यीय बल इसके परिच्छेद को कम करता है। इस इफेक्ट को दोस्तों पिंच इफेक्ट का कॉन्सेप्ट लिया गया है, ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी देख सकते हैं यहाँ पे गिवन है, अक्ष के विपरीत दिशा में कार्य करने वाला एक त्रिज्यीय बल इसके परिच्छेद को कम करता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों पिंच इफेक्ट के स्टेटमेंट के तहत। ए रेडियल फोर्स एक्ट अवे फ्रॉम द एक्सिस ट्रेंडिंग टू रिड्यूस इट्स क्रॉस सेक्शन, अक्ष के विपरीत दिशा में कार्य करने वाला एक त्रिज्यीय बल इसके परिच्छेद को कम करता है, ये ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन पे आइए, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बस ध्यान से पढ़िए क्या गिवन है, उसके बाद न्यूमेरिकल को सोल्व कीजिए। एक ए वन फेज 220 वोल्ट एंड 1000 वाट रेजिस्टिव इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड टू ए 110 वोल्ट डीसी सोर्स, व्हाट इज द पावर सोर्स पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द हीटर फ्रॉम द 110 वोल्ट सोर्स। ठीक है दोस्तों, एक वन फेज 220 वोल्ट एंड 1000 वाट प्रतिरोध विद्युत हीटर को 110 वोल्ट डीसी स्रोत से जोड़ा जाता है, तो 110 वोल्ट स्रोत से हीटर द्वारा आवेशित शक्ति क्या होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में जो गिवन है उसको पहले नोट डाउन कर लीजिए क्या गिवन है, यहाँ पे दोस्तों वी का वैल्यू कितना गिवन है, दोस्तों वी का वैल्यू वोल्टेज 220 वोल्ट गिवन है, और क्या गिवन है रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना गिवन है दोस्तों, रेजिस्टिव कितना गिवन है, रेजिस्टिव गिवन है 1000 वाट है, ठीक है, रेजिस्टिव इलेक्ट्रिक हीटर का 1000 वाट है। ठीक है, हम लोग एक रिलेशन जानते हैं, इसे प्रीवियस लेक्चर में बताया था, पावर बराबर होता है दोस्तों वी स्क्वायर बाई आर, कैसे आता है निकाल के बताए थे, पावर बराबर वी स्क्वायर बाई आर, ये फॉर्मूला आप लोग को बस याद कर लीजिए, डायरेक्ट इस फॉर्मूला में पुट कर लीजिए। यहाँ पे क्या पूछ रहा है दोस्तों कि आवेशित शक्ति क्या होगा, आवेशित यानी दोस्तों क्या एब्जॉर्ब हीटर फ्रॉम द व्हाट इज द पावर एब्जॉर्ब बाई द हीटर। ठीक है, पावर एब्जॉर्ब बाई द हीटर निकालना है, तो हम लोग सबसे पहले यहां से रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल लेते हैं, रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे निकलेगा दोस्तों, आर बराबर आ जाएगा वोल्टेज की कितना गिवन है 220 गुने 220, ठीक है, बटा पावर कितना गिवन है, पावर गिवन है दोस्तों पावर कितना गिवन है, यहाँ पे पावर है 1000 वाट है, ठीक है, पावर 1000 वाट गिवन है दोस्तों, इसको रेजिस्टेंस का वैल्यू आप लोग यहां से निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस कितना आ गया, ये सुन दो कैंसिल आउट हो गया, यानी ऐसे हो जाएगा, यानी 22 गुने 22 यानी 484 आ जाएगा दोस्तों, 484 और 200 ना और आ जाएगा एक, ठीक है, ये तो शून्य कैंसिल आउट हो गया था, यानी नीचे में आ जाएगा 10, ठीक है दोस्तों 10, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा दोस्तों 48.4, ठीक है दोस्तों 48.4 आ जाएगा। अब हम लोग जानते हैं पावर बराबर वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, तो पावर का वी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, हम लोग तो निकाल दिए दोस्तों, वी स्क्वायर यहाँ पे कितना है 110 वोल्ट, वोल्टेज कितना है दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हैं 110 वोल्ट अब यहाँ पे है, तो 110 गुने 110 अपॉन हम लोग आर का वैल्यू कितना निकाल दिए 48.4, ठीक है, यानी इसको सोल्व कीजिएगा तो 250 वाट आ जाएगा राइट आंसर, जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट होगा सी ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों, 46 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए क्या बोल रहा है। व्हाट वुड बी द टोटल पावर ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई व्हेन टू हीटर आर रेटेड एट 1000 वाट 250 वोल्ट ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 250 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज सप्लाई। दोस्तों जब दो हीटर को जिसमें प्रत्येक की रेटिंग गिवन है 1000 वाट का दो है दोस्तों एंड 250 वोल्ट है तथा 250 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज सप्लाई देने के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, ठीक है ध्यान दीजिएगा, श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया है, सीरीज में जो है कनेक्ट कर दिया है। एंड दोस्तों इसके साथ सप्लाई ली गई कुल शक्ति क्या होगा, कुल शक्ति की बात हो रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस ध्यान से कॉन्सेप्ट को याद रखिए, इसका एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अगर टोटल पावर कुल शक्ति की बात करते हैं, टोटल पावर की अगर बात करते हैं तो इसमें जो गिवन है दोस्तों उसको एक रिलेशन ये डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, P1 गुने P2 अपॉन P1 प्लस P2, इससे आसानी से निकल जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करके आप लोग आसानी से क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं। टोटल पावर हम लोग को निकालना है, टोटल पावर P1 कितना गिवन है दोस्तों, दो हीटर है 1000 वाट का, यानी 1000 गुने 1000 वटा 1000 प्लस 1000, बस इसको सोल्व कर दीजिए आपका 1000 यानी यहाँ वन पे कैश तीन यानी छ शून्य आ जाएगा, 1 2 3 5 6 यहाँ पे 1000 2000 हो जाएगा, ये तीन शून्य से ये तीन शून्य कैंसिल हो जाएगा, 2 5 10 यानी 500 दोस्तों, 500 हम लोग का टोटल पावर आ गया, ठीक है टोटल पावर 500 वाट आ गया, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीका से क्वेश्चन को सोल्व किया कीजिए, ज्यादा लेंथी लेंथ लंबा करने कोशिश ना करें क्योंकि कंफ्यूजन होने लगेगा, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट यूज कीजिए, क्वेश्चन को आसानी से बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों, 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से पढ़िए। यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, ध्यान दीजिएगा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस की बात हो रहा है, चालकता का मात्रक क्या होगा, चालकता का मात्रक दोस्तों बता देना चाहता हूं ये जो होगा महो भी होता है एंड सीमेंस भी होता है, महो एंड सीमेंस दोनों होते हैं, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों चालकता का मात्रक जो होगा महो और सीमेंस दोनों होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, बोथ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, टोटल नंबर 40 क्वेश्चन इस पार्ट में भी देखने वाले हैं, तीन पार्ट में टोटल कवर कर दूंगा, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। एन आइडियल करंट सोर्स है जीरो, ध्यान दीजिएगा आइडियल करंट सोर्स है जीरो बात कर रहा है, एक आदर्श धारा स्रोत में शून्य होता है, किसका शून्य होता है दोस्तों ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये शून्य होता है इंटरनल इंडक्टेंस का, आंतरिक चालकता का, ऑप्शन सी एक करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन एक इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा, एक आदर्श धारा स्रोत धारा उत्पन्न करती है जो उसके सापेक्ष विवाह परिवर्तन में जो है स्वतंत्र होती है, ठीक है दोस्तों यहाँ पे इंटरनल कंडक्टेंस हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों, 51 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, ध्यान से पढ़िए क्या क्वेश्चन में निकालने के लिए बोल रहा है। फॉर द सर्किट शोन फाइंड आउट, दोस्तों इस फिगर में दोस्तों करंट का वैल्यू निकालना है, देख सकते हैं ये जो वैल्यू है इसका जो है निकालना है करंट का वैल्यू, ठीक है दोस्तों आई का वैल्यू निकालना है करंट का, तो यहाँ पे आपको ये फिगर को देखते हैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट याद होगा, ये किस कॉन्सेप्ट में पढ़ना था आपको दोस्तों, किरचॉफ्स के लॉ पढ़े होंगे उसमें ये कॉन्सेप्ट पढ़ना था, तो बता देना चाहता हूँ इस सर्किट में दोस्तों किरचॉफ्स करंट लॉ का जो कॉन्सेप्ट है बता देना चाहता हूँ कि किसी भी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। इस फिगर में देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कौन कौन सा इन कर रहा है, किस तो एक 2 एम्पियर का जो करंट इन कर रहा है एंड इससे भी इन कर रहा है, इससे भी इन कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे 5 एम्पियर का भी करंट इन कर रहा है दोस्तों, ये 3 एम्पियर का जो आउट हो रहा है ये आउट हो रहा है, आउट हो रहा है जो इन कर रहा है करंट दोस्तों उसको प्लस लीजिएगा, जो आउट हो रहा है उसको माइनस लीजिएगा, इस सभी का समेशन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, बस यहाँ पे एक सीक्वेंस वे में लिख दीजिए 2 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर प्लस देख सकते हैं ये भी इन कर रहा है 3 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर भी इन कर रहा है, डायरेक्शन देखिए 5 एम्पियर, ये 3 एम्पियर माइनस यानी आउट हो रहा है माइनस में जाएगा एंड 2 एम्पियर ये भी माइनस में जाएगा आउट हो रहा है, और जो हम लोग निकालना है वो भी करंट भी माइनस में जा रहा है, यहाँ पे 3 एम्पियर नहीं 3 एम्पियर तो रेडी हो गया दोस्तों, 3 एम्पियर माइनस 2 एम्पियर माइनस आई हो जाएगा इक्वल टू जीरो हो जाएगा, हम लोग यहां से
आई का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। 5 × 3 = 11, 11 − 3 = 5, 5 − i = 0। दोस्तों आई को ये साइड ले लाइए, इक्वल के ये साइड आ जाएगा आई, यानी यहाँ पे आ जाएगा 11 − 5 यानी 6 आ जाएगा। दोस्तों करंट का वैल्यू हम लोग 6 एम्पियर निकाल चुके हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को सोल्व कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर दिखने को मिलेगा, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए और एक दो बार प्रैक्टिस इस टाइप से एग्जाम्पल लेकर के कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। किरचॉफ्स करंट लॉ और वोल्टेज लॉ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर दिखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों, 52 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए क्या बोल रहा है। व्हाट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ ऑफ ए वोल्टेज सोर्स। दोस्तों एक वोल्टता स्रोत का आंतरिक विद्युत वाहक बल क्या कहलाता है। ठीक है, इसको दोस्तों बता देना चाहता हूँ, ये जो है इंटरनल वोल्टेज भे नो लोड इज अप्लाइड, आंतरिक वोल्टता जब लोड की आपूर्ति न की गई हो। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 53 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है। इफ 3 रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम टू बी कनेक्टेड एज शोन इन डायग्राम, देख सकते हैं फिगर में। ठीक है, व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, क्या होगा। ठीक है, दी गई आकृति के अनुसार यदि 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोध जोड़े गए हैं तो प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। बहुत मस्त क्वेश्चन है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में दिखने को मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो आप लोग पढ़ लिए हैं, देख सकते हैं फिगर में क्या गिवन है। फिगर ये गिवन है दोस्तों, तो फिगर में यहाँ पे निकालने के लिए क्या बोल रहा है पहले एक बार देख लेते हैं। प्रभावी रेजिस्टेंस निकालना है, यानी इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम लोग को निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको फिगर में ध्यान से देखिए, 3 ओम और 6 ओम का समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ये दोस्तों समानांतर क्रम में जुड़े हैं, तो समानांतर क्रम को पहले श्रेणी क्रम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो समानांतर क्रम को श्रेणी सीरीज में कन्वर्ट कीजिए, तो यहाँ से समानांतर क्रम R बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, R बराबर आ जाएगा 6 × 3 / 3 + 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 6 × 3 / 3 + 6 यानी 18/9 आ जाएगा, यानी 2 ओम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 ओम आ जाएगा। हम लोग इस फिगर को शॉर्ट आउट कर लिए, यानी अब फिगर बन जाएगा इसके बाद रेजिस्टेंस का, एक ये फिगर आ जाएगा, ये 2 ओम एंड ये दोनों को हम लोग कनेक्ट करके अभी जो सोल्व करके निकाले रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे आ गया 2 ओम। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग को डायरेक्ट निकालना, एक ये सोर्स है, एक ये सोर्स है, ये 2 ओम का 2 ओम दोनों सीरीज में आ गया दोस्तों, यहाँ पे दोनों सीरीज में एड हो जाता है। ठीक है, 2 ओम और 2 ओम यानी 4 ओम। ठीक है दोस्तों, 4 ओम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सही से देख सकते हैं। हाँ, बस इसको ध्यान से लिखिए, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा 4 ओम। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4 ओम यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसी टाइप से इस टाइप के न्यूमेरिकल को बनाया कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते, इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में दिखने को मिलेगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक दो बार इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिए ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। किरचॉफ्स लॉ स्टेट दैट ए क्लोज लूप ऑफ ए सर्किट। किरचॉफ्स के नियम में उल्लेखित है कि एक परिपथ के बंद लूप में, दोस्तों एक परिपथ के बंद लूप में क्या होता है, किरचॉफ्स के नियम पूछ रहा है, वो होता है दोस्तों द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, विभवांतर का बीजगणितीय योग 0 होता है। ठीक है दोस्तों, विभवांतर का बीज योग गणितीय योग 0 होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किरचॉफ्स का नियम से दोस्तों हम लोग ये जानते हैं कि एक परिपथ में बंद लूप में विभवांतर का बीजीय गणितीय योग दोस्तों 0 होता है। किरचॉफ्स के दूसरे नियम के बारे में बता देना चाहता हूँ कि किसी भी बंद परिपथ के प्रत्येक चालक में धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल एवं उसी परिपथ पर विभव का बीजीय योग 0 होता है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
56 नंबर क्वेश्चन, दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देखा कीजिए। इस चैनल पे अब तक हम लोग मैक्सिमम बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का मैक्सिमम टॉपिक कवर कर चुके हैं। सिर्फ बेसिक इलेक्ट्रिसिटी ये टॉपिक बचा हुआ जो हम लोग तीन पार्ट में कवर कर देंगे। ये सेकंड पार्ट है, एक पार्ट और इसका आएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद और भी जितने महत्वपूर्ण टॉपिक है कंटिन्यू इस चैनल पे प्रत्येक दिन अपलोड होते रहेगा। बस फॉलो करते रहिए चैनल को एंड सपोर्ट करते रहिए, ठीक है दोस्तों। हम लोग मिलकर कुछ एक्स्ट्रा नया करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 14.5 ओम रजिस्टर एज इन फिगर। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे 14.5 ओम का यहाँ पे रजिस्टर है एंड आकृति में दिए गए चित्र के अनुसार 14.5 ओम का प्रतिरोध के सापेक्ष वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। दोस्तों वोल्टेज ड्रॉप हम लोग को निकालना है क्या होगा इस सर्किट में। बस सर्किट को ध्यान से देखिए, वोल्टेज ड्रॉप आराम से निकल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज कितना है गिवन है ये आप लोग पहले नोट डाउन कर लीजिए। वोल्टेज हो जाएगा दोस्तों 26.5। फिगर में देखिए वोल्टेज क्या है जो है पहले नोट डाउन कर लीजिए। वोल्टेज गिवन है दोस्तों 200 वोल्ट है, ठीक है। एंड R1 कितना गिवन है, R1 रेजिस्टेंस 14.5 ओम है, 14.5 ओम देख सकते हैं ये है, ये हाँ ये है दोस्तों। एंड R2 कितना गिवन है, R2 26.5 ओम है, ठीक है दोस्तों। एंड R3 कितना है, 60 ओम, R3 60 ओम है। एंड हम लोग को वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए कॉन्सेप्ट आपको याद कर लीजिए, IS बराबर VS अपॉन RS, ठीक है दोस्तों। वी बराबर IR कॉन्सेप्ट से ये निकला है इक्वेशन। हम लोग को R इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप पूछ रहा है तो सबसे पहले हम लोग R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, उसके बाद इसको कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। R इक्विवेलेंट पहले निकाल लीजिए, R इक्विवेलेंट आ जाएगा 14.5 प्लस 26.5 प्लस 60। इसको सोल्व कर दीजिए तो आ जाएगा 101 ओम आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। R इक्विवेलेंट आ जाएगा, इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट आ जाएगा 101 ओम आ जाएगा। तो दोस्तों हम लोग R इक्विवेलेंट निकाल दिए, वो IS और VS हम लोग को निकालना है दोस्तों। तो यहाँ पे आई बराबर क्या आ जाएगा, आई बराबर अभी ये इस फॉर्मूला को कॉन्सेप्ट में पुट कीजिए, इस फॉर्मूला में पुट कीजिए दोस्तों। हाँ इस फॉर्मूला में आई बराबर आ जाएगा VS हम लोग कितना आया, आई बराबर हो जाएगा दोस्तों वोल्टेज कितना है, वोल्टेज 200 वोल्ट है। एंड आई वी अपॉन आर हो जाएगा, आर आर कितना गिवन है दोस्तों, आर हम लोग अभी निकाले रेजिस्टेंस 101 ओम, ठीक है 101 ओम। यानी दोस्तों 1.98 एम्पियर दो है दोस्तों, एम्पियर इसका जो हो गया करंट आ गया, ठीक है दोस्तों। करंट आ गया तो भी बराबर हम लोग IR फॉर्मूला जानते हैं, तो हम लोग को निकालना क्या है, वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। तो I हम लोग कितना अभी निकाल चुके हैं 1.98 एंड रेजिस्टेंस कितना गिवन है दोस्तों, किस रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालना है तो 14.5 ओम ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालना है वोल्टेज ड्रॉप। तो ये इसकी जो है करंट निकाल दिए तो रेजिस्टेंस का वैल्यू 14.5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि भी बराबर IR होता है। इसको सोल्व कर लीजिए तो इसको सोल्व करने से आ जाएगा 28.7 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है दोस्तों 28.7 यानी लगभग दोस्तों 28.7 को हम लोग 29 वोल्ट बोल सकते हैं ऑप्शन के अनुसार, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 29.5 वोल्ट। ऑलरेडी इस क्वेश्चन को हम लोग निकाल चुके हैं जो कि 14.5 ओम इस ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो है दोस्तों 29 वोल्ट निकलेगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से न्यूमेरिकल को सोल्व किया कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 57 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए क्या बोल रहा है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज नोन एज, किरचॉफ्स के वोल्टता सिद्धांत को कहा जाता है, उसको दोस्तों कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोला जाता है, नोट डाउन कर लीजिए बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी बोला जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किरचॉफ्स के वोल्टता सिद्धांत को ऊर्जा संरक्षण भी कहा जाता है,
इस नियम के अनुसार दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि बंद परिपथ के प्रत्येक चालक में धारा प्रतिरोध का गुणनफल एवं उसी परिपथ पर विभवांतर का बीजीय योग का जोड़ दोस्तों शून्य होता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 58 नंबर क्वेश्चन, ये भी उसी से रिलेट कर रहा है किरचॉफ से दोस्तों, ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व किए हैं 58 नंबर क्वेश्चन, इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, इसलिए प्रैक्टिस खूब कीजिए इस टाइप के न्यूमेरिकल पे। परिपथ में एक सेक्शन में आई का वैल्यू निकालना है दोस्तों, इस फिगर में इसका वैल्यू निकालना है करंट का, देख सकते हैं यहाँ पे भी दोस्तों किरचॉफ का नियम लग रहा है। तो नोड पे आने वाली धारा इज इक्वल टू नोड पे जाने वाली धारा, जो प्रीवियस न्यूमेरिकल सोल्व किए उसी से बन जाएगा। आने वाली धारा कौन है दोस्तों, ये है, देख सकते हैं, बस ये डायरेक्शन से समझिए, इस क्वेश्चन में डायरेक्शन किस ओर इशारा कर रहा है, सर्किट में आ रहा है करंट या सर्किट से जा रहा है, बस इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए। तो दोस्तों 2 एम ध्यान दीजिएगा, 2 एम्पियर का इन कर रहा है, जो इन कर रहा है उसको प्लस में होगा, आउट कर रहा है उसको माइनस में होगा। तो इस यहाँ पे कैसे भी कर सकते हैं, इक्वल भी करके बना सकते हैं, नोड को इक्वल करके बना सकते हैं, नोड पे आने वाली धारा बराबर नोड पे जाने वाली धारा इस कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं। तो नोड पे आने वाली धारा कितना है दोस्तों, 2 आ रहा है एंड 1 एम्पियर का आ रहा है, 2 प्लस 1 हो जाएगा। एंड जाने वाली धारा कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्शन इधर की ओर जा रहा है, यानी 1.3 जा रहा है दोस्तों, एंड क्या हो रहा है प्लस आई हो जाएगा, ये जाने वाली धारा है। बस इसको सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर 2.3 हो जाएगा इज इक्वल टू 1.3 प्लस आई, यहां से आई का वैल्यू निकाल दीजिए, 3 माइनस 1.3 यानी दोस्तों आई का वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सोल्व कीजिए 1.7 एम्पियर। ठीक है, 1.7 एम्पियर इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 59 नंबर क्वेश्चन भी आ जाइए दोस्तों, ध्यान से पढ़िए क्या बोल रहा है। एक परिपथ में 9 ओम के दो प्रतिरोध, 2 ओम के दो प्रतिरोध को समानांतर में संयोजन के साथ श्रेणी क्रम में है, अगर सप्लाई 38 वोल्ट है तो परिपथ में धारा का मान क्या होगा, आई इज इक्वल टू वाट, करंट का वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले कॉन्सेप्ट में ये देखिए, 9 ओम के दो प्रतिरोध है एंड 2 ओम के दो प्रतिरोध है। ठीक है दोस्तों, 9 ओम के दो प्रतिरोध को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ने पे, श्रेणी क्रम में दोस्तों अगर हम मान लेते हैं ये जो है ये 9 ओम है, ये 9 ओम है, यानी टोटल श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस कितना आ गया दोस्तों, 9 18 ओम आ गया। ठीक है, और उसी तरह से 2 ओम को समानांतर क्रम में जोड़ रहा है, समानांतर क्रम में दोस्तों यानी एक ये है एक ये है मान लेते हैं। ठीक है, दोनों को समानांतर क्रम में जोड़ रहा है दोस्तों, यानी ये है 2 ओम का है, ये 2 ओम है, 2 ओम है, इस टाइप से इसको जो है समानांतर क्रम में जोड़ रहा है। तो समानांतर क्रम में जोड़ने के बाद दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इसको जो है 1/R से हो जाएगा, यानी 1/2 + 1/2 यानी 1 ओम इस क्वेश्चन का जो है समानांतर क्रम में आ जाएगा। तो दोस्तों इसका तुल्य प्रतिरोध जो है हम लोग को निकालना है, परिपथ में धारा का मान जो है निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग तुल्य प्रतिरोध रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो आर बराबर आ जाएगा 18 + 1 = 19 ओम आ जाएगा रेजिस्टेंस का वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे गिवन है कि वी वोल्टेज कितना गिवन है दोस्तों, 38 वोल्ट है, एंड रेजिस्टेंस का वैल्यू भी हम लोग को आ गया, एंड वोल्टेज का वैल्यू आ गया, तो यहां से डायरेक्ट करंट का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं वी बराबर आई आर से, इस फॉर्मूला का यूज करके करंट का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं दोस्तों। तो आई का वैल्यू हम लोग को निकालना है, आई बराबर हो जाएगा वी अपॉन आर, वोल्टेज कितना गिवन है 38, रेजिस्टेंस हम लोग कितना निकालें 19 निकालें, यानी 19 × 38। ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 एम्पियर का दोस्तों, हाँ 2 एम्पियर आ जाएगा, 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, बस ध्यान से पढ़िए न्यूमेरिकल को क्या बोल रहा है, कॉन्सेप्ट को लगाइए, न्यूमेरिकल आसानी से बन जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, उसके बाद सोल्व कीजिए। इन द नेटवर्क शोन इफ वन ऑफ द 4 ओम रेजिस्टेंस आर डिसकनेक्टेड, When the circuit is active, the current following
नाउ विल। दोस्तों दिखाया गया फिगर, इस फिगर की बात हो रहा है, नेटवर्क में 4 ओम का प्रतिरोध, ध्यान दीजिएगा 4 ओम का प्रतिरोध उस समय काट दिया जाता है, ठीक है, इसको जो है किसी कारण बस जो है 4 ओम का रेजिस्टेंस कट जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। जब परिपथ सक्रिय हो तो प्रवाही धारा अब कैसी होगी। बहुत ही मस्त कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसको ध्यान से बनाते हैं, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए उसके बाद बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इसमें दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पहले करंट का वैल्यू, जब 4 ओम का प्रतिरोध संयोजी था, जब पहले आपस में कनेक्ट था, ये दोस्तों आपस में जो है कनेक्ट है, तब हम लोग इस यहां से करंट का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, उसके बाद ब्रेक होने पे करंट का वैल्यू निकालेंगे और दोनों में कंपेयर करेंगे कि पहले और अब में क्या डिफरेंस हो रहा है, ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है। तो पहले का हम लोग निकालते हैं दोस्तों 24, यहां पे वोल्टेज कितना है दोस्तों, आई बराबर क्या होगा, वी अपॉन आर से निकाल दीजिए, वोल्टेज कितना है 24 हो गया, रेजिस्टेंस ये दोनों दोस्तों आपस में कितना आ जाएगा, 10 ओम आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों इसको न्यूमेरिकल को जो है सबसे पहले रेजिस्टेंस का वैल्यू आप लोग निकाल दीजिए, रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालने के लिए प्रीवियस कॉन्सेप्ट भी बताया है, सबसे पहले ये जो है पैरेलल में है, इसको पैरेलल में जो है, इसको पैरेलल को जो है सीरीज में कन्वर्ट कीजिए, तीनों को ऐड कर दीजिए, यानी दोस्तों इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू आप लोग निकाल लीजिएगा 10 आ जाएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस का वैल्यू 10 आ जाएगा। यहां पे करंट का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, करंट का वैल्यू आ जाएगा I1 मान लेते हैं, करंट का वैल्यू तो ये आ जाएगा 2. दोस्तों 4 एम्पियर आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस को हटा देते हैं, अब इसको जो है फिर से करंट यानी I2 निकाल लेते हैं, रेजिस्टेंस को हटाने के बाद कितना है 24, यानी 6 ये हट जाएगा, यानी तीनों सीरीज में आ जाएगा दोस्तों, तीनों सीरीज में रेजिस्टेंस आ गया, ये भी सीरीज में 4 ओम का है, तो यानी 6 4 10 2 12 हो जाएगा, यानी 12 12 2 24, यानी दोस्तों 2 एम्पियर करंट आ जाएगा। पहले 2.4 एम्पियर करंट हो रहा जब 4 ओम के रेजिस्टेंस कनेक्ट था, अब दोस्तों इस रेजिस्टेंस को हटा देने के बाद करंट का वैल्यू 2 एम्पियर आ रहा है, यानी इस कंडीशन में क्या हो रहा है, धारा का मान जो है करंट का मान दोस्तों घट रहा है, यानी ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हम लोग निकाल के अभी देखिए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, डिक्रीज होगा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, घट जाएगा। जब दोस्तों इस नेटवर्क में 4 ओम का रेजिस्टेंस को हटा देते हैं तो वहां पर रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है, रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं, यहां पे क्या है, करंट का वैल्यू दोस्तों घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऑलरेडी हम लोग निकाल के प्रूफ करके इस क्वेश्चन में देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 63 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या बोल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 0.04 फैराड कैपेसिटेंस इज 4 वोल्ट, चार्ज स्टोर इन इट विल बी, ध्यान दीजिएगा, एक 0.04 फैराड संधारित्र के पार विभवांतर का मान 4 वोल्ट है, उसमें संग्रहित आवेश की मात्रा होगी, संग्रहित आवेश की मात्रा निकाल रहा है दोस्तों। सबसे पहले क्या क्या गिवन है, सी का वैल्यू कितना गिवन है, 0.04 फैराड गिवन है दोस्तों, एंड विभवांतर यानी वी का वैल्यू दोस्तों कितना है, 4 वोल्ट है, जो गिवन है उसको नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद फॉर्मूला यूज करते हैं। हम लोग आवेश की मात्रा निकालना है, चार्ज स्टोर की मात्रा निकालना है, यानी चार्ज स्टोर क्यू की मात्रा निकालना है दोस्तों, क्यू बराबर होता है आवेश बराबर हो जाएगा दोस्तों, फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, विभवांतर गुने संधारित, विभवांतर कितना है दोस्तों, विभवांतर गुने संधारित्र होता है, ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो Q बराबर हम लोग जानते हैं, इंग्लिश में लिखते फॉर्मूला में C भी होता है, Q बराबर C भी आप लोग जानते होंगे, तो Q बराबर दोस्तों C का वैल्यू कितना है, बस वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर सामने आ जाएगा, 0.4 गुने 4 यानी दोस्तों 0.16 कैपेसिटेंस का राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन देख सकते कौन है, 0.16 यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। बस आपको Q बराबर CV ये फॉर्मूला यूज करके ये जो है न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं आसानी से, ध्यान से, ठीक है दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में दिखने को मिलते हैं, बस ध्यान से कॉन्सेप्ट लगाइए और आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इंक्लूड किया हूं, 64 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए,
इन ए कैपेसिटर द इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टोर इन संधारित्र में विद्युत आवेश किसमें भंडारित होता है। दोस्तों ये होता है डाइलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट यानी पैरा वैद्युत। बता देना चाहता हूँ दोस्तों संधारित्र में विद्युत आवेश पैरा वैद्युत में भंडारित होता है। इसमें अमोनियम बोरेट एल्युमिनियम बोरेट और सोडियम फास्फेट नामक दोस्तों पदार्थ का घोल भी पाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक। ठीक है दोस्तों इन ए कैपेसिटर द इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टोर इन डाइलेक्ट्रिक। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों 66 नंबर क्वेश्चन पे। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ फोर कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटी सी व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। समान दक्षता वाले चार संधारित्र को श्रेणी में जोड़ने पर उसका कुल क्षमता क्या होगा। बहुत मस्त क्वेश्चन है, वीवीए क्वेश्चन इसको मानिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे दोस्तों। क्या बोल रहा है कि फोर कैपेसिटर है कनेक्टेड इन सीरीज, तीनों कैपेसिटर को सीरीज में जो है कनेक्ट कर दीजिए। इक्वल में रहेगा नहीं तो एक ये है C1 दोस्तों, C इसको भी C मान ले तो ये C ये C चार हो गया। ठीक है C तीनों सीरीज में, चारों सीरीज में दोस्तों कनेक्ट कर दिए। और क्या बोल रहा है कि वेन कनेक्टेड इन सीरीज व्हाट विल बी द कैपेसिटी फोर कैपेसिटर इक्वल वेन कनेक्टेड इन सीरीज। और दोस्तों कुल क्षमता यहाँ पे वोल्टेज भी यहाँ पे देख सकते हैं, मान लेते यहां से भी है वोल्टेज दे रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग को निकालना क्या कनेक्टेड इन सीरीज व्हाट विल बी कैपेसिटी ऑफ फोर कैपेसिटर इक्वल कैपेसिटी निकालना है, यानी तुल्य धारिता निकालना है। कुल क्षमता क्या होगा दोस्तों, कुल क्षमता यानी यहाँ पे हो जाएगा 1/C equivalent हम लोग को निकालना है ना। C equivalent बराबर 1/C plus 1/C plus 1/C plus 1/C। ठीक है यानी इसको 1/C यानी आ जाएगा, सबको वैल्यू पुट कर दिए यानी 4/C आ जाएगा। ठीक है दोस्तों C equivalent 4/C आ जाएगा यानी C equivalent बराबर C/4 farad आ जाएगा आंसर। ठीक है क्योंकि 1/equivalent ये है इसलिए इक्वेलेंट बराबर आ जाएगा दोस्तों C equivalent बराबर आ जाएगा कैपेसिटर का इक्वेलेंट C/4 farad आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरीका से बनाया कीजिए, बहुत इजी एंड कॉन्सेप्ट से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों 67 नंबर क्वेश्चन। टू कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी 2 farad एंड 3 farad आर कनेक्टेड इन सीरीज। ए थर्ड कंडेंसर ऑफ 1 farad इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू देम। द रिजल्टेंट कैपेसिटी फराड एफ विल बी 2 farad एंड 3 farad क्षमता वाले दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जबकि 1 farad क्षमता वाले एक तीसरे संधारित्र को इससे समानांतर जोड़ दिया जाए तो ज्ञात करें टोटल कुल क्षमता क्या होगी। ठीक है दोस्तों कुल क्षमता की बात हो रहा है तो आपको C equivalent हम अभी निकालने के लिए बताएं। C equivalent अगर निकालना है दोस्तों तो C1 × C2 / C1 + C2। ऑलरेडी इस टाइप से हम लोग एक कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल ही बनाए थे तो C equivalent आ जाएगा। एक 2 farad है 3 farad है यानी 2 × 3/2 + 3 कितना आ जाएगा दोस्तों 6/5 farad आ जाएगा C equivalent बराबर। ठीक है अब हम लोग दोस्तों 6/5 आ गया और क्या बोल रहा है इफ थर्ड कंडेंसर 1 farad कनेक्टेड पैरेलल। दोस्तों अब कनेक्टेड कर रहा है पैरेलल में हो जाएगा तो अब नेक्स्ट C equivalent टोटल निकालते हैं तो 6/5 + 1 हो जाएगा। 1 ohm का रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में कनेक्ट कर रहा है, 1 farad का कैपेसिटर जो है दोस्तों पैरेलल में कनेक्ट कर रहा है तो यानी 1 हो जाएगा। तो यहां से इसको सोल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा 6 + 5/5 यानी 11/5 farad इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। C equivalent आ जाएगा दोस्तों टोटल। पहले हम लोग ये जो है ये दोनों आपस में सीरीज में कनेक्ट था इसको निकालें। ठीक है ध्यान दीजिएगा इसको पहले सीरीज में ये इसको निकालें, उसके बाद 1 farad का कनेक्ट है पैरेलल में उसको निकालें यानी C equivalent आ जाएगा 11/5 यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगर
थोड़ा सा कंफ्यूजन भी लगे तो वीडियो पॉज करके देखिए, और कुछ भी डाउट हो तो बेहिचक आप लोग कमेंट कीजिए, आपका समाधान जल्द से जल्द स्टडी इंडिया अड्डा टीम की ओर से किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 68 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। हाउ विल द टोटल कैपेसिटेंस चार्ज व्हेन टू कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब दो संधारित्र समानांतर में जोड़े जाते हैं तो कुल संधारित्र कैसा परिवर्तित होगी। दोस्तों इस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये जो होगा टोटल कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा दोस्तों, कुल धारिता बढ़ जाएगी उसका, जब दो संधारित्र समानांतर में जोड़े जाते हैं तो कुल धारिता बढ़ जाएगी। ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों, 69 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। ए वेरिएबल कैपेसिटेंस इज वन हुज कैपेसिटेंस, एक परिवर्ती धारिता वह है जिसकी धारिता क्या होती है दोस्तों, उसकी धारिता कैन बी चेंज, परिवर्तित की जा सकती है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक परिवर्ती धारा वह है जिसकी धारिता परिवर्तित की जा सकती है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 71 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। क्या बोल रहा है दोस्तों ध्यान से पढ़िए, पांच संधारित जिनमें से प्रत्येक की धारिता 10 माइक्रोफराइड है, 100 वोल्ट के दिष्ट धारा विभवांतर से चित्र के अनुसार संबंधित कर दिए जाए तो ए से बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी। फिगर को देखिए, उसके बाद समतुल्य धारिता हम लोग को निकालना है दोस्तों, यहां और यहां के बीच समतुल्य धारिता निकालना है। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में दिखने को मिलेंगे। यह एक संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज है दोस्तों, अतः वीसी बराबर वीडी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वीसी बराबर वीडी हो जाएगा दोस्तों, इसलिए यहाँ पे सी और डी के बीच में दोस्तों कोई कार्य नहीं करेगा, ये जो रेजिस्टेंस किसी काम का नहीं होगा। ठीक है, ये व्हीट स्टोन का ब्रिज है। अब C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में पहले निकाल दीजिए, C1 और C2 इस चीज को श्रेणी क्रम में निकाल दीजिए, आपस में श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो यहाँ इसका वैल्यू निकाल दीजिए पहले, यानी 10 × 10 / 10 + 10 यानी 5 माइक्रोफेराड आ गया है दोस्तों ये दोनों का। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं C3 और C4 को श्रेणी क्रम में, यानी इसको और इसको आप निकाल दीजिए, ये रेजिस्टेंस आपस में श्रेणी क्रम में आ जाएगा, तो इसको भी उसी तरह से निकालिए, 10 × 10 / 10 यानी इसका भी 5 माइक्रोफराड आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे लिख देते हैं 5 माइक्रोफराड आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों दोनों को जो है समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं, ये दोनों सीरीज में आ गया था, श्रेणी क्रम में आ गया था दोस्तों, और ये दोनों भी श्रेणी क्रम में, दोनों का वैल्यू हम लोग निकाल दिए। अब जो है इक्वेलेंट रेजिस्टेंस जो यहाँ पे आ जाएगा, समानांतर क्रम में कैपेसिटेंस इक्वेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा दोस्तों, यानी 5 माइक्रोफेराड इसका निकाल दिए, इसका एंड इसका भी निकाल दिए 5 माइक्रोफेराड। ठीक है दोस्तों, एंड टोटल आ जाएगा 10 माइक्रोफेराड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में गिवन है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी टाइप से इस टाइप क्वेश्चन को बनाया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 72 नंबर क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग सर्किट द इक्वेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी, निम्नलिखित परिपथ में ए और बी सिरों के बीच समतुल्य धारिता निकालना है, ए और इसके बीच में दोस्तों समतुल्य धारिता निकालना है हम लोग को। ठीक है, इसको भी उसी तरीका से निकालिए, सी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, C × C / C। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को बस ध्यान में रखिए, बहुत इस कॉन्सेप्ट से बन जाएगा, ऑलरेडी 2-3 न्यूमेरिकल इस कॉन्सेप्ट से हम लोग सोल्व किए। प्लस में दोस्तों ये दोनों C/2 हो जाएगा, क्योंकि आपस में पैरेलल में कनेक्ट है, प्लस में दोस्तों C/2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसको सोल्व कीजिए, C²/2C + C/2 इसको सोल्व कीजिए तो क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले यहां पे ये कैंसिल आउट कर दीजिए, एक सी से ये सी कैंसिल हो जाएगा, यानी एक सी बचेगा दोस्तों, इसको फिर आप असेस कर देते हैं, C/2 + C/2 हो जाएगा, यानी दोस्तों C + C यानी 2C/2 हो जाएगा, 2C/2 यानी 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी सी
ए भी हम लोग को आ गया दोस्तों ओनली सी, ठीक है, ये दो कैंसिल हो जाएगा यानी सी आ जाएगा, सी ए भी बराबर ओनली सी आ जाएगा यानी ऑप्शन सी है, ऑप्शन में देख सकते हैं ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग निकाल के अभी देख चुके हैं ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए बी जीरो के बीच दोस्तों इक्वेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा, इक्वेलेंट कैपेसिटेंस सी आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग निकाल के देखें ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे और बढ़ते हैं दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। 73 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, क्या बोल रहा है ध्यान से पढ़िए। पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस टू फेराइड कैपेसिटर इज 10 वोल्ट, एनर्जी स्टोर इन इट विल बी, एक 2 फेराइड संधारित के पार विभव का मान 10 वोल्ट है, उसमें संधारित ऊर्जा का क्या मान होगा। संधारित ऊर्जा का मान निकालने के लिए बोल रहा है दोस्तों, तो सबसे पहला स्टोरेज एनर्जी की बात हो रहा है, तो ई बराबर हम लोग 1/2 CV2, ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं। सी बराबर 2F गिवेन है, पहला सी कितना गिवेन है दोस्तों, जो गिवेन उसको नोट डाउन कर लेते हैं, सी गिवेन है 2 फेराड गिवेन है, एंड वोल्टेज क्या गिवेन है 10 वोल्ट गिवेन है। बस इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा दोस्तों, ई बराबर आ जाएगा, एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला है, ई बराबर आ जाएगा दोस्तों 1/2 गुने सी कितना है 2 गुने वी स्क्वायर, 10 गुने 10 यानी 10 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 100, लिख देते हैं डायरेक्ट 10 × 2 = 100, ई से कैंसिल हो जाएगा, यानी एनर्जी स्टोर कितना हो रहा है दोस्तों 100 जूल हो रहा है, जो कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में गिवन है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, इस टाइप के क्वेश्चन को ये फॉर्मूला यूज करके बना सकते हैं बहुत ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए दोस्तों, 75 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। 75 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज द मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन में देखिए और कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सॉफ्ट रबर का जो है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। दोस्तों सॉफ्ट रबर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, 77 नंबर क्वेश्चन, कॉपर सिल्वर डायमंड आर एग्जाम्पल ऑफ, दोस्तों तांबा चांदी सीर और हीरा ये किसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन के अनुसार दोस्तों ये एग्जाम्पल है डायमैग्नेटिक सबस्टांस का, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, डायमैग्नेटिक सबस्टांस का एग्जाम्पल है दोस्तों तांबा चांदी हीरा, दोस्तों डायमैग्नेटिक सबस्टांस का एग्जाम्पल है प्रति चुंबकीय पदार्थ का, जो पदार्थ चुंबक द्वारा विकर्षित होते हैं प्रति चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, डायमैग्नेटिक सबस्टांस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 78 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए, द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड ऑफ, विद्युत चुंबक किससे बना होता है। दोस्तों विद्युत चुंबक किससे बना होता है, ये बना होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सॉफ्ट आयरन कोर विथ करंट पासिंग अराउंड इट, मृदु लौह कोर जिसके चारों तरफ धारा प्रवाहित हो रही हो, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, 79 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। इफ द करंट फ्लो इन ए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन द पोलारिटी ऑफ द नियरर पोल विल बी, दोस्तों यदि धारा घड़ी की विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तो ध्रुव के नजदीक इसकी ध्रुवता क्या होगी। इसकी ध्रुवता दोस्तों नॉर्थ पोल की होगी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव की होगी। ठीक है दोस्तों, घड़ी की धारा घड़ी के विपरीत डायरेक्शन में प्रवाहित होता है दोस्तों, तो ध्रुव के नजदीक इसकी ध्रुवता उल्टी ध्रुव होगी यानी नॉर्थ पोल की होगी, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों, 80 नंबर क्वेश्चन, हेनरी इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, निम्न गुणों में से किस गुण को हेनरी इकाई में मापा जाता है। दोस्तों हेनरी मापा जाता है इंडक्शन का, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंडक्शन गुण को जो है हेनरी में मापा जाता है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही,
आशा करता हूँ कि आप लोग इस सेशन को अच्छे से एंजॉय करते हुए स्टडी किए होंगे। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि इससे वीडियो को हमें हेल्पफुल कर रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश कीजिए ताकि हर किसी को फायदा हो सके। क्योंकि दोस्तों अब एग्जाम का टाइम बहुत ही कम है, जो मैं वीडियो प्रोवाइड कराया हूँ प्रत्येक वीडियो को 2 से 3 बार जरूर एग्जाम देने से पहले देख करके जाए ताकि एग्जाम में बहुत हेल्प होगा। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक जो स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जितना जल्द हो सके नीचे दिए हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें ताकि मैं जितने महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा रहा हूं उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, एक बात और बता देना चाहता हूं, मैं जो भी वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ इस चैनल पे उसका पीडीएफ भी 2 से 3 दिन के बाद टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूँ, तो आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री में पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए दोस्तों टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट था एंड थर्ड पार्ट जल्द ही अपलोड होगा, इसलिए कंटिन्यू चैनल को फॉलो करते रहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।